गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज आम फर्स्ट चैप्टर पढ़मा न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स रो नोट बनकर मुझे तो मुई एखे बुझे दौछे, तुम्हें मैंने अकॉर्डिंगली नोट के अपडेट करदेव। ओके, तो न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़मा कण, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स हुई डील्स विद द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। स्टडी ऑफ न्यूक्लियस बहुत सिंपल है, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस जाके हमें कहते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। तो न्यूक्लियस कौन है, न्यूक्लियस टा होचे सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम। कौन है सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम, सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम। तो सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम रे अच्छे कौन है, ऑल पॉजिटिव चार्ज अच्छे। कौन अच्छे, ऑल पॉजिटिव चार्ज अच्छे, ऑल मास भी अच्छे, सबूजाक मास आ सबूजाक चार्ज के ना अच्छे सेंटर रे अच्छे। केहर सेंटर रे, एटम रे सेंटर। जदि एटा सपोज गोटे एटम हैला तो सेंटर रे अच्छे किए, सेंटर रे अच्छे सबूजाक पॉजिटिव चार्ज आ सबूजाक मास अच्छे जाके हमें ना देछु न्यूक्लियस। बुझिहला, न्यूक्लियस टा होचे सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम। आ जेने कि इलेक्ट्रॉन टा रिवॉल्व करछे तुम्हार केने न्यूक्लियस रो चारिपटे इनसाइड द एटम। ओके, तारपर आसी शॉर्ट क्वेश्चन रे पढ़सी केमिकल सिंबल रिप्रेजेंट करी कि हमें काना करसु नंबर ऑफ एटम, ए नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ तुम्हारा न्यूट्रॉन केंदा कैलकुलेट करसु। तो केमिस्ट्री पढ़ी एक्स जेड ए, जेड टा होछे तुम्हार नंबर ऑफ प्रोटॉन जहाँकि हमें कहसु एटॉमिक नंबर। क्या कहसु हमें ताके एटॉमिक नंबर। ओके, एटॉमिक नंबर तो काना रिप्रेजेंट करसी से नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ए काना रिप्रेजेंट करसी, एटा होछे मास नंबर, एटा कणे मास नंबर, जेनटा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन रिप्रेजेंट करसी एटॉमिक नंबर, आउ रिप्रेजेंट करसी कणे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी, कणे रिप्रेजेंट करसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जेन रिप्रेजेंट करसी केते बेले रिप्रेजेंट करबा, फॉर न्यूट्रल एटम लागि, नंबर ऑफ न्यूट्रल एटम लागि नंबर ऑफ तुम्हार एटॉमिक नंबर टा रिप्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलिकिरि कहि परमा केनटा तुम्हार एटॉमिक नंबर के, किंबा स्टेबल एटम, किंबा स्टेबल एटम के। ओके, तापर हमें का कहमा, तो फॉर्मूला कौन पाना जे मास नंबर इज इक्वल टू जेड प्लस एन। तो हमको जने जदि पजरावा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन केते, तो हमें का कहमा मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, जेने के हमें कुछ एटॉमिक नंबर। तो एन इज इक्वल टू हेगला हमर ए माइनस जेड। तापर हमें सेकंड डिस्कशन करमा कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लियस, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लियस कौन डिस्कशन करमा कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस रे अछन के के, न्यूक्लियस रे जुड़े पार्टिकल अछन, गुटे ना हला प्रोटॉन पार्टिकल, गुटे हला न्यूट्रॉन पार्टिकल। प्रोटॉन रो चार्ज हला पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन रो चार्ज हला न्यूट्रल चार्ज, जेने के हम कहछो जीरो चार्ज। प्रोटॉन रो मास अछे, तार मास हला एम पी, जेने के हम कहछो 1.672 × 10⁻²⁷ के जी, केते 10⁻²⁷ के जी। ओके, तो न्यूट्रॉन रो मास हला स्लाइटली ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन, जेने के हमें कहूँ 1.674 × 10⁻²⁷ के जी। ऑलमोस्ट दुईटा मास इक्वाल हाँ, किंतु जदि डिस्कशन करमा जे कंपेयर जितेले करमा हमें कहाँ कहमा मास ऑफ न्यूट्रॉन स्लाइटली ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन। ओके, अंडरस्टैंड। तापर हमें जिमा तुम्हार कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूक्लियस के, कहने के जिमा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूक्लियस के। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूक्लियस रे हमें डिस्कशन करना साइज ऑफ द न्यूक्लियस, तापर तुम्हार चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस, तापर तुम्हार डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस केना डिपेंड करसी, कहार पर डिपेंड करसी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूक्लियस। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूक्लियस रे हमें डिस्कशन करना जे चार्ज ऑन न्यूक्लियस, चार्ज ऑन न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस रे केते चार्ज अच्छे बोले हमें जनक हमको जदि जने पचरा हमें कणा कहमा जे सेथिरे प्रोटॉन आ न्यूट्रॉन खाली अछन, कणा अछन खाली प्रोटॉन आ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन तो जीरो चार्ज है, केते चार्ज है जीरो चार्ज है, किंतु चार्ज अच्छे कहार प्रोटॉन। तो केते नंबर ऑफ प्रोटॉन अछन, जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन अछन, केते नंबर ऑफ प्रोटॉन अछन जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन अछन। तो चार्ज ऑन न्यूक्लियस हमें कणा कहमा जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू गुटे प्रोटॉन रो चार्ज हला 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम रो चार्ज अछन केंथरे न्यूक्लियस रे, जेनटा कि गुटे पॉजिटिव चार्ज आए केंटा ओवरऑल न्यूक्लियस गोटे क्या चार्ज है पॉजिटिव चार्ज। ओके, तापर हमें डिस्कशन करमा साइज ऑफ द न्यूक्लियस, कौन डिस्कशन करमा साइज ऑफ द न्यूक्लियस। सेकंड हमें डिस्कशन करमा साइज ऑफ द न्यूक्लियस, जे जने बुझिनि पारबो सांगे सांग कहबो, सांगे सांग कहबो
ভিডিও যে জেনে বুঝিনি পারব প্লিজ কহব যে এখানে বুঝিনি হলা বলে কি পছে লিখিকি ভি জনাই পারব অথবা নোট দিয়া হয়েছে তো তুমি মানে পছে ভি পারব সাইজ অফ দি নিউক্লিয়াস তো সাইজ অফ দি নিউক্লিয়াস রে কানা নম্বর অফ প্রোটন আর নিউট্রন যতকি বড়ি বড়ি যিবা নিউক্লিয়াস রে সাইজ ভি সেতকি বড়ি বড়ি যিবা তো আমি এনে কই পারমা যে ভলিউম অফ দি নিউক্লিয়াস ইজ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু মাস নম্বর অফ দি অ্যাটম सपोज आम कौन कौन न्यूक्लियस की गोटे स्पीयर हिसाब से जब आम कनसीडर करमा तो तार वॉल्यूम के फोर बाय थ्री पाए आर क्यू प्रोपोर्शनल टू ए तो फोर बाय थ्री टा हूँ तुम कन्स्टांट क्वांटिटी तो भेरिएबल है आर क्यू प्रोपोर्शनल टू ए आम बाहर कर रिलेसन आर ओ ए भितर तो आम इन लिखिपारमा आर इज आर प्रोपोर्शनल टू ए पावर वन बाय थ्री बोलिकी तापर आम कण करमा प्रोपोर्शनालिटी कन्स्टांट नमा आर जीरो ए पावर वन बाय थ्री बोलिकी आर जीरो रेडियल कन्स्टांट जेनटा कि हूँ जार भैल्यू हूँ 1.2 फर्मी के फर्मी 1.2 फर्मी जेनटा आम कमा 1.2 इंटू 10^-15 मीटर तो गोटे फर्मीटा केते मीटर सरी 10^-15 मीटर तो आम रिलेसन कण पाइना आर प्रोपोर्शनल टू ए पावर वन बाय थ्री और लिखीसूँ आर इज इक्वल आर जीरो ए पावर वन बाय थ्री और आर प्रोपोर्शनल टू ए पावर वन बाय थ्री इटा सर्ट क्वेश्चन भी पढ़सी आउ एक मार्किया प्रोब्लेम भी पढ़सी पूरा इजीटा पढ़वा तो रिलेसन इन आम कण पाइमा दुईटा डिफरेन्ट न्यूक्लियस लगे दुईटा डिफरेन्ट रेडियस तो कण पाइमा आर वन बाय आर टू इज इक्वाल टू ए वन बाय ए टू पावर वन बाय थ्री चार्टा टोटाल भेरिएबल अच्छे आमको तीन टार भैल्यू दिखाई तो चार नंबरटा कि आम आंसर बाहर कर दुई मार्क प्रोब्लेम पढ़सी कि सर्ट क्वेश्चन भी पढ़सी ये इम्पोर्टेन्ट ओके ओके तारपर आम डिस्कसन करमा डेनसीटी अफ दि न्यूक्लियसटा इंडिपेडेन्ट मास नंबर पर सुनला बेल के आश्चर्य लगुच डेनसीटी अफ दि न्यूक्लियसटा के मास नंबर पर इंडिपेडेन्ट येस आम एखंड देखमा डेनसीटी अफ दि न्यूक्लियस डेनसीटी अफ दि न्यूक्लियस डेनसीटी अफ दि न्यूक्लियस इज इंडिपेडेन्ट अपन मास नंबर कैपिटल ए ओके डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस तो रो एन यू इज इक्वल कहाँ लिखमा मास ऑफ द न्यूक्लियस बाय वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस ओके डेंसिटी फॉर्मूला कहाँ मास बाय वॉल्यूम तो मास कहाँ भर कहाँ मास ऑफ द न्यूक्लियस बाय वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस तो मास ऑफ द न्यूक्लियस कितने मास नमा जे नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोहिले कर मास अच्छे तो गुटे लोर मास मन कर एम नली नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना अछन एटा अछन कितना अछन एटा अछन तो वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस कितने लिखली 4/3 पाए आर क्यूब तो एखन बाहर करथना हमें आर क्यूब रो वैल्यू कितने लिखितना 4/3 पाए आर क्यूब रो वैल्यू कितने लिखितना आर 0 ए पावर 1/3 क्यूब अछे तो कितने लिखली होल क्यूब तो कितने लिखबे एखन एम ए बाय 4/3 पाए आर जीरो क्यूब ए पावर वन बाय थ्री क्यूब के थला ए तो ए कैंसल हो गला तो डेंसिटी वाला टर्म रे तुमर ए अच्छे कहीं देखो ए तो नहीं ना तो हमें कहाँ लिखमा डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास नंबर कैपिटल ए इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास नंबर कैपिटल ए हमें जेन स्टेटमेंट लिखा तो राइट हो गला तो इतर वैल्यूटा के ये गोटे कन्स्टांट क्वांटिटी है सब करले कन्स्टांट क्वांटिटी 2.27 इंटू 10^17 केजी पर मीटर क्यूब 17 केजी पर मीटर क्यूब तो आज लगे एवर लगे इतकी वीडियो इतकी थाउ